अगर सोशल मीडिया अगर सच में न्याय लोग देते हैं, मैम न्यायाधीश है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे भाई को जैसे उन लोगों ने मारा है, जिस तरीके से मारा है, बॉडी का हर एक पार्ट बाहर निकाल दिया था मैम, इतना क्यों मारता, कोई उसकी क्या गलती थी? यहाँ पर पूरी वारदात होती है, खून का जो दाग है आपको साफ नजर आ रहा है, यही खून का रिसाव हुआ था उस दौरान। ये जितने लोग हैं ये रेडी पटरी लगाती है, सब नहीं थे क्या? थे, सब थे यहाँ, सब लोग सिर्फ देख सब रहे थे, भाग गए सब यहाँ से, डर के मारे भाग गए। 15-20 लड़के थे और चाकुओं से वार कर रहे थे सब, डर डर के। भीड़ है, भीड़ का भीड़ आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा इस वक्त भीड़ लगी है। मैडम, मैं आज जोरी करती हूँ, मेरे बेटे को इंसाफ दिलाई है, मैं अपने बेटे के लिए जिंदा नहीं रह सकती। मेरा एक था, मैं कोई नहीं है दुनिया में, मेरे बेटे मेरा सहारा था, मेरे बेटे को इंसाफ दिलाई है। उसी चौक पर खड़े हैं जहां पर लगभग 11:30 बजे का समय बताया जा रहा था, और इसी घटना स्थल पर ये पूरी वारदात होती है। आप देखिए, तमाम जो इलाके के लोग हैं इस वक्त इस जगह पर खड़े हैं, जो शव है वो भी इस वक्त मौके पर आ गया है। भीड़ आप देखिए कितनी ज्यादा है, ये तमाम लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पर है, और उस लड़के को जिसकी उम्र बताई जा रही है 26 साल है, बलराम मिश्रा नाम बताया जा रहा है, उसको लगभग 10 से 12 लड़कों द्वारा मिलकर उस पर इतनी बेरहमी से हमला किया जाता है, ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया जाता है, उससे भी मन नहीं भरता, तो जैसे मैंने आपको बताया गोली तक चला दी जाती है। अभी आप देख सकते हैं माहौल कितना ज्यादा पूरी तरीके से, किस तरीके से लोग हैं, पीछे जो कॉलोनी है उसी कॉलोनी के लोग हैं, और तमाम यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है। सवाल ये है कि अभी इतनी भीड़ नजर आ रही है, जब रात को ये पूरी घटना होती है तब लोग कहाँ थे? यहाँ पर आप देखिए जगह ये है, ये सामने है सर, यहाँ पर ये लड़के का मारा, वहाँ पे ब्लड और सारा खून वो सब निशानदेही करा हुआ है, ये सामने वो जो लेडीज खड़ी है सामने, अगर वो मौके वारदात में देखना चाहते हैं तो आप आके देख लीजिए, आओ दिखाते हैं। यहीं पर पास में ही हुआ था जी जी हाँ, ये लेडीज खड़ी है। साफ तौर पर बता रहे हैं कि 12 से 15 लड़के थे, कुछ पता है कितने? 12 से 15 लड़के थे, पुरानी रंजिश के कारण इसको चाकू मार दिया, चाकू मारने के बाद इसको गोली मारे है। तो जो भीड़ है, भीड़ का भीड़ आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा इस वक्त भीड़ लगी है, और आप देख सकते हैं कि नजारा किस तरीके का है। यहाँ पर तमाम लोग इस वक्त बलराम का सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और देखिए, एक बार आपको हम भीड़ दिखाएंगे इस वक्त, गोल चक्कर जो सामने है यही घटना स्थल है, यहाँ पर जब बीती रात को पूरी घटना होती है तमाम लोग यहाँ खड़े होते हैं, लेकिन एक दहशत भी लोगों के अंदर साफ तौर पर देखी जा सकती थी रात के समय, तभी यही कारण है कि किसी ने भी मदद के लिए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया। बताया जा रहा है 15-20 लड़कों द्वारा मिलकर एक युवक पर हमला किया गया है, लड़के की उम्र 26 साल बताई जा रही है, बलराम नाम है, शव इस वक्त मौके पर मौजूद है, यहाँ आ चुका है, और भीड़ आप देखिए, ये सभी लोग इस वक्त इसीलिए यहाँ पर मौजूद है ताकि बलराम को इंसाफ मिल सके, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। देखिए तमाम जो कॉलोनी के लोग हैं, पूरा रोड पूरी बुरी तरीके से जाम हो चुका है, सभी लोग इस वक्त खड़े हैं और सभी लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चे को यही ना है, पुलिस मैम कुछ नहीं कर रही है, बताओ ऐसा मैम, पुलिस स्टेशन यहाँ मोदी नगर थाना मैम, कितने कॉल्स किए गए, कोई रिप्लाई नहीं मैम, आप जानते हैं मारने वाले को, मैम जानते हैं ना, बंटी नाम है उसका, यही रहता है यही सोसाइटी में मैम रहता है, मैम ये कोई रीजन नहीं क्यों मारा, आई डोंट नो, कोई दुश्मनी थी? नो मैम, भाई की मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, एक बंदा मारता तो वो बंदा उसकी ऐसी की तैसी कर देता। मैं पूछा नाम बता रहा, सबने नशे में मारा है उनको, कम से कम 8-10 लोग थे वो, ठीक है 10-12 लोग थे कम से कम टोटल, क्या कह रहे मैम? मैम यहाँ पे सारे लड़के थे, ठीक है, सब लड़के 2 मिनट पहले वहाँ गेट के सामने गए, वो सारे 15-16 लड़के उधर से आए जितने भी थे, और उन्होंने मारा है। मुझे नहीं पता मैम, 10 लोग दारू पियेंगे, 16-17 लोग थे, और मैम ऐसे यही नहीं मिलेगा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मुझे अपने भाई का न्याय चाहिए, सबसे पूछ चाहिए, सब लोग बात कहाँ मर गए, इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हम सब कुछ नहीं देखे, कौन कह दिया, कितना कौन मारा, एक बंदे को 15 लोग मारेंगे तो मैम क्या होगा बताओ, मैम जनता मैम पुलिस क्यों होती है, लोगों की रक्षा
नहीं, पुलिस आई देख के जा रही मैम, ऐसे होता है पुलिस। मुझे मेरा भाई चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मैम। अगर सोशल मीडिया अगर सच में न्याय लोग देते हैं मैम, न्यायाधीश है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे भाई को जैसे उन लोगों ने मारा है, जिस तरीके से मारा है, बॉडी का हर एक पार्ट बाहर निकाल दिया था मैम, इतने क्यों मारता, कोई उसकी क्या गलती थी। भाई जी कल क्या कुछ हुआ, आपके हस्बैंड कब गए, कुछ बता के गए? मैं तो ऑफिस में थी, मैं ऑफिस से आई हूँ 7 बजे करीब, 7 बजे आई, तो उसके बाद मैं तो अपने घर में लग गई, क्योंकि वो हमेशा ही उनका लेट आना ही रहता था 11:30-12 बजे तक। तो मेरे 2-3 दिन से ऐसी लड़ाई भी चल रही थी उनसे कि तुम टाइम से नहीं आते हो, मान नहीं रहते बात मेरी, तो फिर मैं उनसे बात नहीं कर रही थी। मैं आई, अपने बच्चे में लग गई, थोड़ा घर का काम वाम था वो भी किया, उसके बाद फिर वही 10:30-11 करीब था, तो मेरा देवर आया, वो कह रहा है कि चिल्लाते हुए आया, कह रहा भाभी भाई को किसी ने गोली मार दी। फिर मैं उसको छोड़ उड़ के निकली, भागते हुए गई बाहर, देखा तो चाकू लगी हुई थी और पूरा खून खून ऐसे पूरा, मतलब कि इतनी चाकूएँ लगी थी गिनती नहीं कर सकते, और पूरी अतड़ियाँ बाहर आ रखी थी। अच्छा, इतनी गंदी तरह चाकू मारा था कि पूरी अतड़ी बाहर आ रखी थी। बस उसके बाद फिर हम लोग, कोई अगल बगल का तो कोई हेल्प भी नहीं कर रहा था कि हाँ कोई आके पकड़ ले, मतलब जितनी देर वो वहाँ पे पड़े रहे उतनी देर में अगर कोई लेकर गया होता तो वो शायद बच चुके होते, पर कोई लेकर गया नहीं उनको, मतलब किसी ने आसपास के लोगों ने नहीं, किसी ने कोई हेल्प नहीं की। हम लोग गए, हम लोग जब लेकर जाने की बात की तो हम खुद ही, मैं, मेरी सास, मेरी नंद, मेरी बहन ने, मेरी मम्मी पापा, ये सारे उठा रहे थे, कोई एक बंदा नहीं आया उठाने के लिए, कोई एक बंदा नहीं आया उठाने के लिए उनको। फिर उसके बाद हम लोग लेकर गए हॉस्पिटल, तो वहाँ पे उनको डेड घोषित कर दिया गया। अच्छा, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, आपका ही बच्चा है ये। आप काम करती हैं, आपके हस्बैंड क्या काम करते थे? वो भी जॉब ही करते थे। अच्छा, ये कुछ जानती है कौन लोग थे जिन्होंने मारा है, किसके साथ घूम रहे थे, दोस्त थे या कोई? नहीं, वो दोस्त मतलब कि ऐसे यहीं के हैं, वो भी यहीं के हैं। अच्छा, तो आसपास के ही लड़के? हाँ, आसपास के ही हैं। वो बंटी है जिसने मरवाया है, मारा है, उसी ने मारा है। उसकी उम्र है आपके हस्बैंड की? 26 साल। 26 साल। नाम बताइए पूरा, क्या नाम? बलराम मिश्रा। बलराम मिश्रा। अच्छा, जो लड़का बता रही हैं आप बंटी, उसकी क्या उम्र है? उसकी उम्र होगी यही 23-24 साल, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। 23-24 साल। हाँ जी। मैं, मेरा छोटा वाला भाई आया बताने, फिर हम वहाँ पे दौड़ते हुए गए, फिर हम सबको बोल रहे हैं कि प्लीज़ कोई एम्बुलेंस बुलाओ, हम पुलिस को भी फ़ोन करें, लेकिन पुलिस वाले बहुत लेट आए। अच्छा, आपने कॉल किया पुलिस को या पहले ही हो गई थी फ़ोन? बहुत लोगों ने किया था, मेरे चाचा वगैरह ने, लेकिन पुलिस बहुत लेट आई, आधे घंटे बाद आई। आधे घंटे बाद? हाँ। और फिर हमने जब उठाया उनके, पहले सर पे मारा और उनको चक्कू से बहुत सारी जगह मारा, पूरे शरीर में छेद करके, फिर उनको पेट में गोली मार के फिर चक्कू मार दिया। अच्छा, ये बताओ कि जैसे अभी बता रहे बंटी ने मारा, और भी लोग शामिल थे? हाँ, 16 लोगों ने मिलके मेरे अकेले भाई को मारा है। 16 लोग? हाँ, वो रोड पे घर आ रहे थे तो वो लोग गए मस्ती करने लग गए, तो मेरे भाई, वो लोग मस्ती वाला लड़ाई कर रहे थे, तो मेरे भाई को लगा कि मस्ती कर रहे हैं, फिर वो कॉलर पकड़ के पीछे से सर पे अटैक कर दिया, फिर उसने चक्कू भी पीछे से मारी, फिर 2 लड़के बाइक पे बैठ के भाग गए गोली मार के, फिर उसने चक्कू मार दिया, तो कोई कैसे बचता, फिर भी उसके अंदर थोड़ी सांस थी, फिर पुलिस ना आई टाइम। मतलब चाकू से भी मारा है, गोलियों से भी मारा है? हाँ, दोनों चीज़ों से मारा है। हाँ, वही हमारा 10 सालों से सब कुछ थे, अब वही नहीं है, बताओ हम कहाँ कहाँ जाएंगे, मेरा छोटा भाई है और मेरी मम्मी है, मेरा छोटा सा बाबू और भाभी, बस क्या कहेंगी मैडम। मैं आज जोर कहती हूँ, मेरे बेटे को इंसाफ दिलाई है, मैं अपने बेटे के लिए जिंदा नहीं रह सकती, मेरा एक था, मैं कोई नहीं है दुनिया में, मेरा बेटा मेरा सहारा था, मैडम मेरे बेटे को इंसाफ दिलाई है। आपको पता चला था, मतलब कब पता चला? अरे पता चला, 10 मिनट फोन रखे हुए, मैं उसी से बात कर रही थी, बेटा कहाँ है, खाना आओ खा लो, मम्मी मैं आ रहा हूँ, रोड पे पहुँच चुका हूँ। जैसे वो रोड से निकला, उसे पीछे से सब वार कर दिए, जब उसको गोली लगी, छोटा वाला मेरे चिल्लाते आया, मम्मी भाई को गोली लग गई, उसके बाद वो इधर आया, तब से चाकू चाकू इस पर कम से कम 20 चाकू लगी थी, तनी तरी मेरे बच्चे के निकल आई थी बाहर, इसमें मारने वाला बंटी है, खाड़ू है, एक उसका देवा है, और क्या बोलते तिवारी है, सबका हाथ है मैडम,
हाँ वहीं थे जब। हाँ जी वहीं थे, क्योंकि उनके साथ बैठते उठते थे रोज। मेरा बेटा कभी दारू नहीं पीता था, लेकिन ये तीन दारू पिलाते थे रोज। तो देखिए जो इस वक्त मामला आया है बेहद ही हैरान करने वाला है, क्योंकि पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस काफी लेट आती है। और जब ये लोग चाहते हैं कि पुलिस की ही जो जिप्सी है उसके अंदर, जो उस वक्त घटना स्थल पर जिसको सबसे ज्यादा चोट लगी थी, जिसका नाम बलराम बताया जा रहा है, अभी जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसको जिस जिप्सी में ले जा रहा था उस जिप्सी में पुलिस लेकर नहीं जा रही थी। और आपको सबसे बड़ी बात बताएं, ये कैमरा यहाँ लगा है, सीसीटीवी कैमरा, जिसके माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि कौन कौन आरोपी इस पूरे मामले में शामिल थे। तो इस कैमरे की अभी जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से साफ तौर पर निकल कर आ रहा है कि जो महिंद्रा का जो शोरूम है, जो आप सामने देख पा रहे हैं, सर्विस सेंटर है, ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो सीसीटीवी फुटेज है वो नहीं निकल पाएगा क्योंकि कैमरा खराब है। ये तमाम जो जवाब है इस वक्त निकल कर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पुलिस स्टेशन होने के बावजूद भी पुलिस कहीं ना कहीं 20 से 25 मिनट लेट आती है। उसके बाद जब इस गंभीर हालत में जो युवक होता है उसको अस्पताल ले जाना चाहिए, तो पुलिस अस्पताल लेकर नहीं जाती। तमाम आप भीड़ देख रहे हैं, ये सब इसी कॉलोनी के लोग हैं और इस वक्त उस युवक को इंसाफ दिलाना चाहते हैं जिस युवक के साथ ये पूरी घटना हुई है। फिलहाल अभी जो सामने जो चीजें निकल कर आ रही है उसी में जानकारी यही है कि 5 से 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी आरोपी अभी भी फरार है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन देखना होगा कि कब तक दिल्ली पुलिस जांच पड़ताल कर पाती है और कब तक उन सभी आरोपी को पकड़ पाती है, क्योंकि जिस तरीके से आपको बताया इस इलाके से हमेशा देखा जाता है कि बेहद गंभीर जो मामले है वो निकल कर आते रहते हैं। और जिस तरीके से अभी मामला जो सामने आया है कि बेवजह कोई वजह जो है वो साफ तौर पर निकल कर नहीं आ रही, कुछ लोगों का कहना है कि नशे में धुत था और कुछ लोगों का कहना है कि आपसी रंजिश थी, लेकिन आखिरकार वजह क्या थी उसकी मृत्यु की ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जो जिस तरीके से बताया जा रहा है यहीं पर नशे की हालत में आपसी कोई वजह हो जाती है जिसमें लड़ाई हो जाती है और लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि चाकू से कई बार ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है। और साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि एक गोली जो है वो लगने की लगाई मारी जाती है जिसमें से वो चूक जाती है और उसकी जो बुलेट है वो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यही वो पिक्चर है जो आप देख लीजिए यहाँ से प्राप्त होती है। तमाम लोग हैं इस वक्त, एक ही सीसीटीवी कैमरा है जो वहाँ लगा है जिसकी चेकिंग होनी बाकी है अभी भी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार वजह क्या थी, क्यों बलराम को इतनी बेरहमी से इस घटना स्थल पर मारा गया। तमाम आप भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मोती नगर थाना है, उसके बावजूद भी इस इलाके में इतना क्राइम बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ अपने थानों के अंदर बैठकर एसी की हवा लेती नजर आ रही है, कुर्सी तोड़ती नजर आ रही है और दिल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है। क्राइम देश की राजधानी दिल्ली में आए दिन बढ़ता जा रहा है और सिर्फ कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण दिल्ली पुलिस है और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह एक और है जो कि नशा है। नशे की वजह से ही लगातार जो बच्चे हैं या जो युवक हैं वो नशा कर लेते हैं, उसके बाद उनको ये समझ नहीं आता कि वो जो बात है वो किससे कर रहे हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ाई हद तक बढ़ जाती है कि वो खून खराबे पर उतर आते हैं। और अभी जो मामला सामने आया बेहद ही गंभीर है, 15 लड़कों के नाम बताए जा रहे हैं जिसमें से 7 लड़कों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अभी बाकी जो लड़के हैं उनको गिरफ्तार करना बाकी है। तो देखना ही होगा कब तक दिल्ली पुलिस उन सभी लड़कों को गिरफ्तार कर पाती है और बलराम को इंसाफ कब तक मिल पाता है। तो जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या झलको, दिल्ली।